तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है थिंक पार्क। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस करी हैं उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग थीम पार्क के नए अपडेट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको दिख रहा होगा थीम पार्क ऐप में नए अपडेट। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वो आपको ले जाएगा आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। एंड गैलेक्सी स्टोर पे अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बता दूं। यहां पर आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 1.0.9.50 और इसमें सबसे पहला क्या नया चेंजेस किया गया है, फिक्स अ बग दैट प्रिवेंट सम थीम्स फॉर बीइंग एक्सपोर्ट ऑन GTS। कुछ थीम को एक्सपोर्ट करने में कुछ एरर आ रहे थे उसको यहां पर बग को फिक्स किया गया है। एबिलिटी टू एडिट द एबिलिटी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ब्राइटनेस बार इन क्विक पैनल TOS। क्विक पैनल का जो बैकग्राउंड है उसका कलर को चेंज करने को यहां पर दिया गया है और अदर फिक्स किए गए हैं, अदर बग को फिक्स आउट किया गया। और नीचे की तरफ आएंगे यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 7 मार्च के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 14 MB का एंड देन वर्जन नंबर इज 1.0.09.50। तो इसको कर लेते हैं अपडेट, अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। फाइनली दोस्तों हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने को देखेंगे तो इस ऐप का मेनली काम क्या है, थीम पार्क, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि थीम को पार्क मतलब यार थीम बनाने का ये काम करता है। यहां पर जो मेन दिया गया था कि आप क्यूक पैनल के अंदर उसके ब्राइटनेस या बोल सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे मैं आपको लेके जा रहा हूं, पहले तो बग फिक्स किया गया था, सेकंड में एडिट किया गया विल टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ब्राइटनेस बार। ब्राइटनेस बार का भी आप यहां पर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं ब्राइटनेस बार को, क्योंकि पैनल पे आ गया हूँ, क्योंकि पैनल पे आके मैंने क्रिएट पे क्लिक कर लिया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ब्राइटनेस बार ये रहा, मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर आप क्लिक करके इसके कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे ब्राइटनेस बार का भी आप यहाँ पर कलर को चेंज कर पाएंगे, जोन सा भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर उसका कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेम लगा दिया, आप चाहें तो यहाँ पर और कुछ लगा सकते हैं। तो अब आपको ये कलर यहाँ पर मतलब आप देख रहे होंगे, आप ब्राइटनेस बार का भी कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसको फाइनली बना के देखते हैं फिर कैसा यूज होता है ये और मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मेनली यहाँ पर क्या नया चेंजेस किया गया, यहाँ पर यही चेंजेस किया गया है, आप यहाँ पर जो भी थीम को क्रिएट करेंगे उसका जो ब्राइटनेस बार है उसका यहाँ पर आप कलर को चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसके बैकग्राउंड को यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट में दिया गया है। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ जाने के बाद कोई से भी जिसको भी चेंज करना वहाँ जाना और यहाँ से आप कलर चूज आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही नया अपडेट था थीम्स पार्क की तरफ से, यह नए चेंजेस किए गए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी है तो हम डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी हम डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।